हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सियाटिका के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सियाटिका है क्या, इससे हम कैसे बचे और इसका होने का क्या कारण है और इस बीमारी में क्या सिम्टम दिखता है। अब हम सबसे पहले जान लें कि सियाटिका है क्या। सियाटिका को हम लोग मेडिकल टर्म में सियाटिक न्यूराइटिस भी कहते हैं। सियाटिका शब्द की शुरुआत सियाटिक नर्व से होता है। यह एक बहुत ही मोटी नर्व है। यह नर्व हमारे कमर से लेकर हमारे पैर के निचले हिस्से तक जाती है। इस नर्व में किसी कारणवश प्रेशर या इन्फ्लामेशन आने की वजह से हमें इरिटेटिंग या पेन महसूस होता है, जिसे हम सियाटिका कहते हैं। हमारे सियाटिक नर्व में तीन बोन लेवल के दबने की वजह से हमें पेन और इरिटेटिंग महसूस होती है। पहला बोन L4, दूसरा L5 और तीसरा S1। इन तीनों बोनों की वजह से हमारे सियाटिक नर्व में प्रेशर आने के कारण हमें पेन और इरिटेटिंग महसूस होती है। सियाटिका बीमारी ज़्यादातर 40 से 50 साल की उम्र में देखा गया है। इस बीमारी में असहनीय दर्द होता है, जिससे मरीज बेड पे ही पड़ा रहता है। इस असहनीय दर्द के कारण मरीज स्टेरॉयड का भी उपयोग करने लगता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे जानेंगे कि पेशेंट को सियाटिका है या नहीं। अगर मरीज को कमर से लेकर पैर के पिछले हिस्सों में दर्द हो तो हम उसे सियाटिका कहते हैं। अगर मरीज को कमर से लेकर पैर के आगे हिस्से में दर्द है तो हम उसे सियाटिका नहीं कहते हैं। अब हम बात कर ले कि सियाटिका होने का क्या कारण है। सियाटिका होने का तीन प्रमुख कारण है। पहला, हर्निएटेड डिस्क, जिसे कुछ लोग स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, लंबर कैनाल एस्टेनोसिस। और तीसरा, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। हम जानेंगे कि हर्निएटेड डिस्क क्या है। हर्निएटेड डिस्क एक स्पंज की तरह है। यह स्पंज अपनी जगह से इधर उधर हो जाने के कारण हमारे नर्व को दबाता है, जिससे हमें पेन और इरिटेटिंग महसूस होती है और हमारे नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाता है। हर्निएटेड डिस्क में मेडिसिन काम नहीं करता है। यह कुछ मेडिसिन कुछ समयों के लिए आराम देता है, फिर पुनः हो जाता है। इस हर्निएटेड डिस्क में केवल सर्जरी ही उपाय है। लंबर कैनाल एस्टेनोसिस, इसमें हमारे लंबर कैनाल की डायमीटर कम हो जाता है, जिसमें से हमारी सियाटिक नर्व गुजरती है। तो हमारे नर्व में डायमीटर कम होने की वजह से उसमें प्रेशर पड़ता है, जिससे हमें पेन और इरिटेटिंग महसूस होती है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में बोन में अनवांटेड ग्रोथ होने की वजह से यह बोन हमारे नर्व को पिंच करता है, जिससे हमें पेन और इरिटेटिंग महसूस होती है। इस पिंच की वजह से हमारे सियाटिक नर्व में इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसे हमें पेन और इरिटेटिंग महसूस होती है। इसके अलावा बहुत से कारण हैं सियाटिका होने के, जैसे हमारे कमर, हमारे बटक में मसल स्पास्म होना, प्रेगनेंसी की वजह से ओवरवेट हो जाना, हमारे स्पाइनल में ट्यूमर हो जाना या हमारे स्पाइनल में किसी कारणवश ट्रामा हो जाना, जिसकी वजह से भी सियाटिका हो जाता है, या हमारे बॉडी का ओवरवेट हो जाना, या हम किसी ओवरवेट वस्तु को उठा लेने से भी सियाटिका हो जाता है। और एक बहुत बड़ी वजह है आजकल का हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना और कुछ हमारी गलत आदतें, जैसे हमें हाई हील्स पहनना, हमें रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, या हम किसी बहुत हार्ड चीज़ या सॉफ्ट चीज़ पे सो जाना, या हम बहुत ज़्यादा बैठने से या बहुत ज़्यादा खड़े होने से भी सियाटिका रोग हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सियाटिका हो जाता है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सियाटिका में पेशेंट को महसूस होता है कि उसके पैरों में एक लकीर के समान दर्द होना, उसके पैरों के मसल्स में सुन पड़ जाना या कमजोरी महसूस होना, उसके पैरों के तलवे में जलन या झंझनाहट महसूस होना, टॉयलेट जाते वक्त उसको बैठने में या उठने में दिक्कत होना इसका मुख्य लक्षण है। कूल्हों और कमर में असहनीय दर्द होने की वजह से उठने बैठने में चलने फिरने में भी दिक्कत होना। अब हम बात करेंगे कि हम सियाटिका से कैसे अपने आप को प्रिवेंट करें। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें रेगुलर फिजिकल वर्क करना चाहिए, हमें ना ज़्यादा देर तक खड़े रहना चाहिए ना ज़्यादा देर तक बैठना चाहिए, हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट बिस्तर का ना ज़्यादा हार्ड बिस्तर का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें हाई हील्स चप्पलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपने बॉडी को ओवरवेट होने से बचाएं, किसी ओवरवेट वस्तु को उठाने से बचें, हम आगे झुककर बैठने की कम कोशिश करें, हमें वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट को सियाटिका हो जाता है तो हम उसे क्या क्या टेस्ट करवाते हैं।
हम पेशेंट को एक्सरे कराएं, एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन कराएं, नर्व कंडक्शन स्टिमुलेशन कराते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट को सीआरटीका हो जाता है तो हम उसे क्या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। सीआरटीका के ट्रीटमेंट के तीन प्रोसेस हैं, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और सर्जरी। सर्जरी बहुत ही रेयर केसेस में होता है, जैसे हर्निएटेड डिस्क में केवल सर्जरी ही होती है, और बाकी केसेसों में हम फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदा मेडिसिन का प्रॉपर यूज करके सीआरटीका से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट को क्या क्या फिजियोथेरेपी और क्या क्या आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देंगे। फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को क्या क्या करवाते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उसके बॉडी को और उसके मसल्स और उसके स्पाइनल को सपोर्ट मिल सके। दूसरा, हम उसे हॉट फर्मेंटेशन और कोल्ड फर्मेंटेशन देते हैं। अगर पेशेंट को दर्द लंबे समय से चल रहा है तो हम उसे हॉट फर्मेंटेशन देते हैं। अगर पेशेंट को दर्द तुरंत का स्टार्ट हुआ है तो हम उसे कोल्ड फर्मेंटेशन देते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट को आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्या क्या दें। टैबलेट चंद्र प्रभावटी, टैबलेट त्रायोदश गुगुल, इन टैबलेटों का उपयोग हमें सुबह शाम खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए, और इसके साथ ही वतादी चूर्ण का उपयोग भी करना चाहिए। इस चूर्ण का उपयोग हमें रात को सोते वक्त गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें पीड़ांतक तेल का भी अपने कमर और पैरों में मालिश करने के लिए उपयोग करना चाहिए। इन सारी दवाओं और फिजियोथेरेपी का आप प्रॉपर यूज करते हैं तो साइटिका से आप पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ऑसम।